मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर विद आंसर के सेकेंड सेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले सेट वन के वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, तभी आप टर्म वन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2021-22 में सफल होंगे। तो आज की सेट टू की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट माई ऑल अपडेट्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकेंड सेट की इस वीडियो में आइए सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए हुए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 और 1 से 5 तक के सवालों के जवाब दीजिए। योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। योगा व्यक्ति को तन और मन से फिट रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, यह मूल रूप से स्व उपचार की एक प्रणाली है। अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू डिजीजेस डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फैकल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसुटेबल फूड। योग की दृष्टि से रोग, विकार और व्याधियां, कुछ दोषपूर्ण जीवन शैली, बुरी आदतें, उचित ज्ञान की कमी और अनुपयुक्त भोजन का परिणाम है। द डिजीजेस आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ सॉर्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मेलफंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। इस प्रकार रोग शरीर प्रणाली के लंबे समय तक खराब होने की परिणामी स्थिति है। सिंस द रूट काउज ऑफ अ डिजीज लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, इट्स क्योर ऑल्सो लाइज इन करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाय द सेम इंडिविजुअल हिमसेल्फ। चूंकि रोग का मूल कारण व्यक्ति की गलतियों में निहित है, इसका इलाज भी उसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की गलतियों को सुधारने में निहित है। द योगा एक्सपर्ट्स शो ओनली द पाथ एंड वर्क नो मोर देन एज अ काउंसिलर। योग विशेषज्ञ केवल रास्ता दिखाते हैं और परामर्शदाता के रूप में काम नहीं करते हैं। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेस 3 steps, नेमली प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स अबाउट द सेल्फ। उपचार के योगिक अभ्यास में 3 चरण शामिल हैं, जैसे कि उचित आहार, उचित योगाभ्यास और स्वयं के बारे में चीजों का उचित ज्ञान। पैसेज समझ में आ गया? अब इसी से रिलेटेड 1 to 5 क्वेश्चंस हैं और पैसेज के अकॉर्डिंग ही इनका आंसर भी देना है। देखिए क्या लिखा है। 1, व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, मूल रूप से स्व उपचार की प्रणाली क्या है। ए सर्जरी, बी योगा, सी मॉडर्न मेडिसिन आधुनिक दवाइयां एंड डी प्लांटेशन वृक्षारोपण। तो इनमें बी योगा सही ऑप्शन है। हाउ डज योगा कीप अ पर्सन, योगा व्यक्ति को कैसे रखता है। ए फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मेंटली फिट, मानसिक रूप से स्वस्थ। सी फिजिकली एंड मेंटली फिट, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ। एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी फिजिकली एंड मेंटली फिट है, क्योंकि योगा करने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द रूट काउज ऑफ अ डिजीज लाई, रोग का मूल कारण कहां है। ए इन द मिस्टेक्स ऑफ योगिक एक्सपर्ट्स, योगा विशेषज्ञों की गलतियों में। बी इन द मिस्टेक्स ऑफ योगा टीचर,
योगा टीचर की गलतियों में, इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की गलतियों में, या डी नन ऑफ दीज। तो इनमें सही ऑप्शन है सी, इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्योंकि योगा विशेषज्ञ और योग शिक्षक तो गलती नहीं करेंगे सिखाने और बताने में, भले ही कोई व्यक्ति गलती कर जाए योगा करने में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्टेप्स डज द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइज? उपचार के योग अभ्यास में कितने चरण होते हैं? 1 मीन्स ए 2 स्टेप्स, बी 3 स्टेप्स, सी 5 स्टेप्स एंड डी 6 स्टेप्स। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है बी 3 स्टेप्स, क्योंकि योगिक अभ्यास में 3 स्टेप शामिल हैं, उचित आहार, उचित योगाभ्यास और स्वयं के बारे में चीजों का उचित ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम फॉर वेरी ओल्ड इज, वेरी ओल्ड का समान अर्थ वाला शब्द आपके इस पैसेज में कौन सा है? तो यहां देखिए ऑप्शन बी एंशियंट, ये ऑप्शन सही है। अब यहां देखिए, यहां एक और पैसेज है, इसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पैसेज क्लास 11th के इंग्लिश बुक हॉर्न बिल्स के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको राइटर खुशवंत सिंह है, से लिया गया है। देखिए क्या लिखा है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेन टू लिव इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर चले गए थे तो उन्होंने मुझे इनके साथ छोड़ दिया था। एंड वी वर कंटिन्यूसली टूगेदर, और हम लोग एक साथ शुरू से रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो अक्सर मुझे हमेशा मॉर्निंग उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द सिंगिंग वे, वो गाने के अंदाज में हमेशा सुबह का प्रेयर गाया करती थी। वाइल शी बिथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, अक्सर जब वो मुझे स्नान कराती थी और ड्रेस बनाती थी तो इस आशा में वो गाती थी ताकि मैं उसे सुन सकूं और उस चीज को मैं अपने हार्ट से उस चीज को समझ सकूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, और मैं उस प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैं उसे सीखने में उतना मुझे दिलचस्पी नहीं थी। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट, और तब मुझे वुडन स्लेट लकड़ी का जो स्लेट होता ला के देती थी। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड इट विथ येलो चॉक, और अक्सर वो जो है उस स्लेट को हमेशा धोती थी और येलो कलर के चॉक से उसे हमेशा प्लास्टर करती थी, वहां पर लगाती थी स्लेट पर। शी वुड टेक अ टिनी अर्थन इंक पॉट, वो मिट्टी का छोटा सा एक दवात होता था उसे लिए रहती थी देती थी। एंड अ रेड पेन, उनके हाथ में हमेशा रेड पेन भी होता था। शी वुड टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सभी चीजों का गठरी में बांध लेती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे वो गठरी दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक एस्टल चपाती विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद मोटे और जो बासी रोटी होते थे, जो रोटियां थी तो जिसपे शुगर और बटर जो है वो हर जगह फैला हुआ रहता था, उसे वो ले लेती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और बहुत सारे जो बासी जो चपातीज होते थे, जो रोटियां होती थी, उनको विलेज डॉग के लिए, गांव के कुत्तों के लिए वो ले लेती थी।
My grandmother always went to school with me. मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से सटा हुआ था. द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. वहाँ के जो पुजारी थे वो हमेशा हम लोगों को वहाँ का जो अल्फाबेट है और सुबह का जो प्रेयर है वो सिखाते थे. द चिल्ड्रेन सेट इन अ रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर टुगेदर. जितने सारे बच्चे थे वो एक अलग मतलब बरंडा में एक अलग दिशा में अलग तरफ में बैठते थे और उस अल्फाबेट को साथ साथ में वो गाते थे, प्रेयर को भी गाते थे. माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द होली बुक. और मेरी दादी माँ वो अंदर बैठ करके जो पवित्र जो ग्रंथ हैं किताब उनको पढ़ती थी. When we had both finished, हम लोग जब साथ में इन काम को खत्म कर लेते हैं, we would walk back together, और हम लोग साथ में वापस लौटते हैं. तो बहुत ही अच्छा ये पैसेज है. अब देख क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. 6. Who is good friend of the author? इस पैसेज के अकॉर्डिंग ऑथर की सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिज ग्रैंड मदर, क्योंकि हमेशा ग्रैंड मदर ही इस ऑथर के साथ में रहती थी तो बेस्ट फ्रेंड थी. 7. Where did the author's parents go to live? पेरेंट्स जो थे ऑथर को कहां पर रहने के लिए चले गए थे? तो यहां पर क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ए इन द सिटी, शहर चले गए थे रहने के लिए. डी, Where did the author and his grandmother go every day after breakfast? नाश्ता करने के बाद ऑथर और इनकी जो दादी माँ थी वो कहां से जाते थे? अब यहां पे क्या है, टू द मार्केट वो तो जाते नहीं थे, टू द पार्क वहां भी नहीं जाते थे, टू द स्कूल स्कूल जाते थे, क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर से सटा हुआ था तो दादी माँ साथ में चली जाती थी. फिर क्या लिखा है. 9. What did the author and the other children learn every day from the priest? ऑथर और दूसरे जो बच्चे थे वहां के प्रिस्ट से क्या सीखते थे? ए अल्फाबेट, बिल्कुल सही बात है. बी मॉर्निंग प्रेयर, ये भी सही बात है. सी बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, क्योंकि वहां पे जाकर के जो ऑथर था और वहां के जो बच्चे थे अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर दोनों सीखते थे, इसलिए सी बोथ ए एंड बी अच्छा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है. 10. Which of the given option is a synonym of bring? अब नीचे जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं इनके हिसाब से जो bring जो वर्ड है इनका synonym वर्ड क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब होता है fetch. Fetch मतलब लाना और bring मतलब ही लाना. अब देखिए क्या है, सेक्शन बी राइटिंग, इसमें क्या है, एज्यूम योरसेल्फ, अपने आप को मान लीजिए. क्या मान लीजिए? एज आलोक स्लैश अनीता. अगर आप बॉय हैं तो आलोक मान लीजिए अपने आप को, और अगर आप गर्ल हैं तो अनीता मान लीजिए. राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल. तो एक एप्लीकेशन लिखना आपको मास्टर के पास में, प्रिंसिपल के पास में, कि आपके भी स्कूल में कंप्यूटर सीखने का फैसिलिटी होना चाहिए. कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15. और 11 to 15 जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन क्या क्या सही है आपको यहां भरना है. तो क्या लिखा है, 2. फिर क्या है, ब्लैंक है और लिखा हुआ 11. तो 11 में क्या देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन है. तो यहां पर देखिए जो लिखा है बी ऑप्शन, द हेड मास्टर, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट कर लेटर लिखते हैं तो टी द का और एच हेडमास्टर का कैपिटल होना चाहिए, तो यहां पर बी ऑप्शन ज्यादा सही है. कोमेंट स्कूल और मांझी रांची, डेट 25th August 2021. सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल. सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th ए. सर मैं 10th का विद्यार्थी हूं. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए आई, अब यहां पर क्या है 12 में क्या है,
वांट, तो आई के साथ वांट होता है, वांट्स, वांटिंग, वांट्स तो होगा नहीं, तो वांट होगा, तो आई वांट, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आई वांट टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट विनती करना चाहता हूं। सर वी हैव नो कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, सर हमारे यहां कंप्यूटर स्क्रीन की फैसिलिटी नहीं है। दिस डेज कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, आज के जीवन के सारे जितने सारे जो क्षेत्र हैं वहां पे कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। वी कैन सी कंप्यूटर एवरीवेयर, हम लोग सभी जगह कंप्यूटर देख सकते हैं, इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट के सरकारी जो ऑफिस होते हैं वहां पर, बैंक में भी, रेलवे डिपार्टमेंट वहां पर भी, स्कूल्स वहां पर भी, कॉलेजेस में भी, पोस्ट ऑफिसेस, शॉप्स, सभी जगह हम लोग कंप्यूटर को देख सकते हैं। फॉर ए स्टूडेंट विदाउट कंप्यूटर नॉलेज फ्यूचर इज, बिना हम लोग जो स्टूडेंट हैं बिना कंप्यूटर का जो हम लोग का जो भविष्य है उनका इस नॉलेज के बिना क्या हो जाएगा, 13 में क्या है, डार्क, ब्राइट, बेटर, नन ऑफ दिस, डार्क हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी के समय में कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, उसका ज्ञान नहीं रहेगा, तो बिल्कुल मान लीजिए हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। तो यहां पर जो डार्क है ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। दिस प्रोवाइड्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू ग्रो, और ये जो है हमें आगे बढ़ने का बहुत ही बढ़िया एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, रास्ता है। वी आर लैगिंग बिहाइंड मेनी स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स से पीछे रह जाते हैं हु आर स्टडिंग कंप्यूटर इन देयर स्कूल्स, जो बच्चे स्कूलों में कंप्यूटर का ज्ञान ले रहे हैं उनसे हम लोग काफी पीछे रह जाते हैं। काइंडली स्टार्ट कंप्यूटर क्लासेस इन आवर स्कूल, कृपया जितना जल्दी हो सके हमारे लिए कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करवाइए। वी विल बी, अब यहां पर क्या है, 14 में ऑप्शन देखिए क्या है, ग्रेटफुल, GREAT, ये तो होगा नहीं, तो यहां पर जो ऑप्शन है ग्रेटफुल, GREATE, ऑप्शन सी यानी आभारी, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू, इसके लिए हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे, किसके लिए, कंप्यूटर के फैसिलिटी दिलाने के लिए। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है ग्रेटफुल, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू, और उसके बाद क्या देखिए, हालांकि यहां पर वो प्रिंट नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था, तो 15 में देखिए क्या लिखा हुआ है, योर्स ऑबिडियंटली, ये जो सेक्शन सॉरी जो ऑप्शन जो डी है ये ज्यादा सही है, योर्स ऑबिडियंटली, आपका आज्ञाकारी, और फिर क्या लिखा है, आलोक कुमार क्लास 10D, हालांकि यहां ए लिखा हुआ शुरू था, फिर ए होना चाहिए था, रोल नंबर 7। तो मुझे लेटर आपको इसे समझ में आ गया, कैसे भरना अच्छे सबको आप जानकारी होगी। फिर क्या है, सेक्शन सी ग्रामर, देखिए फिर से ग्रामर आ गया है, जैसे कि आपको बेटर 1 बताया था, इसमें क्या है, पिक आउट द सुटेबल चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अब हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जो चेंज करना होता है उसको यहां पर देखते हैं कैसे क्या करना है। 16, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो आपको पहले से पता है कि अगर सेड जो है अगर ये पास्ट टेंस में है तो एम का भी पास्ट टेंस हो जाएगा और आई जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां पर ही हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ही टोल्ड मी, बी ऑप्शन, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये ऑप्शन ज्यादा सही है। अब देखिए पेज को पलटिए, देखिए क्या लिखा हुआ है आगे में लिखा हुआ है कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, शिक्षक ने कहा, क्या कहा, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो हमेशा ईस्ट में पूरब में उगता है। तो एक देखिए रूल और भी है नरेशन में कि अगर कोई चीज अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है बिल्कुल सही है तो वहां पर हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं, सेम सेंटेंस रहना चाहिए। तो यहां पर जो है जो बी ऑप्शन है द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन ज्यादा सही है। फिर 18 क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ द प्यून रैंग द बेल, अब ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
द बेल वॉज रंग बाय द पेओन। ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ऑप्शन ए ज्यादा सही है। फिर क्या है, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 1920। अब देखिए 19 और 20 क्वेश्चन क्या करना है, मॉडल वर्ब को भरना है। एनी वन मेक मिस्टेक्स, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, जब पे सत्या नहीं कैन हो जाएगा तो एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, तो सी ऑप्शन कैन ज्यादा सही है। 20 में देखते हैं, यू ओबे योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, तो मानना चाहिए यानी कि मस्ट हो जाएगा, तो यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, तो यहां पर जो सी ऑप्शन है मस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्या है, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग नॉन फिनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23। 21 में क्या है, शी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, अब वो जो है उसका पर्स गुम हो गया था, उसे वो मिल गया, यहां पर जो लॉस्ट है ये ज्यादा उचित वर्ड है, ए ऑप्शन। 22 में क्या है, द ट्री इज इजी, अब देखिए नॉन फिनाइट में क्या होता है, जब लास्ट में ब्लैंक होता है भरना होता है तो आपको मेन वर्ब के साथ पहले टू लगाना होता है, तो द ट्री इज इजी टू क्लाइम, जो ट्री है इस पर चढ़ना आसान है। फिर 23 में क्या है, इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक देश है, कैसा देश है, तो डेवलपिंग कंट्री, विकसित, विकास की ओर बढ़ता हुआ देश है। फिर क्या देखिए, सेक्शन डी लिटरेचर, तो जाहिर सी बात है लिटरेचर आप जो पढ़ते हैं बुक, जैसे कि फर्स्ट फ्लैट और सप्लीमेंट्री बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फिट, वहीं से लिया गया है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, ये फर्स्ट फ्लैट का जो थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर का जो सेकेंड जो पार्ट है वहां से लिया गया है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, अब यहां पे जो ऑथर है वो जहाज से उड़ रहा है, तो लिखा हुआ है कि जो मून है, जो चांद है, वो ईस्ट की तरफ मेरे पीछे पीछे वो बढ़ रहा आगे की ओर। द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे हैं, इन द क्लियर स्काई अबव मी, मेरे ऊपर जो साफ जो आसमान है वहां पे चमक रहा है। देयर इजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं ऊपर बहुत ही खुश हूं, जो नीचे जितने सारे जो लोग हैं कंट्री साइड के, जो लोग स्लीपिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, उनके ऊपर मैं बिल्कुल अकेले बहुत ही खुश हूं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं डेकोटा प्लेन से फ्रांस की ओर से इंग्लैंड को उड़ रहा था। देखिए ये जो आप दिखाया गया वीडियो, यहां पर इसको बोलते हैं ये डेकोटा एरोप्लेन है। I was dreaming of my holiday and looking forward of being with my family. और मैं सपना देख रहा था अपनी छुट्टियों के लिए और अपने परिवार के साथ बाकी समय को बिताने के लिए। I looked at my watch, मैंने अपनी घड़ी को देखा, 1:30 in the morning, सुबह के यानी कि रात के 1:30 बज रहे थे, 1:30 समय हो रहा था। अब इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। 24 नंबर, Who is me here in the first line? इस लाइन में मी कौन है, तो इसके जो राइटर है सी फ्रेडरिक फोर्सिथ, ये इसके राइटर हैं, तो यहां पर मी इनके लिए आया हुआ है, तो डी जो सी फ्रेडरिक फोर्सिथ है, ये करेक्ट ऑप्शन है। 25, What indicates that the weather was fine at that time? उस समय क्या चीज दर्शाता है कि उसमें का जो वेदर है, मौसम बहुत ही साफ था, तो राइजिंग मून, बढ़ता हुआ जो चांद है, स्टार्स, वो भी क्लाउडलेस स्काई, बिना बादल का आसमान, तीनों ऑप्शन सही है, तो डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन ज्यादा उचित है। 26, विच एरोप्लेन वॉज द ऑथर फ्लाइंग, जो ऑथर है वो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था, तो देखिए यहां पे क्या है, बी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, वो जो पुराना जो डेकोटा जो एरोप्लेन को उड़ा रहा था। 27, फाइंड अ वर्ड
फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स विदाउट एनी कंपनी, विदाउट एनी कंपनी, बिना किसी के साथ के, कौन सा वर्ड इसके हिसाब से इस पैसेज में हो सकता है? तो यहां पर जो वर्ड है ए एलोन, अकेला, तो अलोन ये वर्ड ज्यादा उचित है, इसे लिखिएगा। 28, हाउ मच मनी डिड लैंको रिसीव? अब फिर से फर्स्ट फ्लैट में ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो लैंको था उसे कितने पैसे मिले, तो यहां पे सी जो है 70 पैसो, ये ज्यादा सही है। 29, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन? किस पॉलिटिकल पार्टी को नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था? तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। फिर क्या देखिए 30, होम डिड द यंग सी गर्ल बेग टू ब्रिंग हिम सम फूड? जो छोटा जो यंग गर्ल जो पक्षी है वो किससे थोड़ा खाना मांगता है? तो यहां पर जो डी ऑप्शन है हिज मदर, अपनी मदर से वो खाना मांगता है। 31, द नेम ऑफ एंस डायरी वाज? अब एंस के जो डायरी है उसका नाम क्या था? तो आपको स्टेटमेंट बताया गया था कि एक डायरी उसे मिली थी जिसका नाम रखा गया था किट्टी। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है किट्टी, ये ज्यादा सही है। फिर देखिए हम लोग आते हैं पोएट्री में, तो इसमें क्या लिखा, रीड द एक्सेक्ट गिवेन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहां पर देखिए, द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये पोएम है जो कि द डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, जो आपका बुक में है। अब यहां पे क्या है, अब इस पोएम के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन बन रहा है क्या है, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो एक्सट्रैक्ट जो है, जो छोटा सा जो लाइन लिया हुआ है, ये कहां से लिया हुआ है? तो यहां पर क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, यहां से लिया गया है चूंकि ये पोएम का नेम है। 33, हु हैज रिटन दीज लाइन्स, इन लाइनों को किसने लिखा है? तो यहां जो ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये ज्यादा उचित है, यहां से उन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है। 34, हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, अब इस डस्ट ऑफ स्नो में कौन शुक, वो नीचे कौन हिल गया, अब किसकी बात हो रही है? तो देखो ऊपर में क्या लिखा है कि अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो यहां पर क्रो ऑप्शन ज्यादा सही है, तो क्या हो जाएगा, सी क्रो। 35, वेयर वॉज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कहां था? तो क्या लिखा है, तीसरी चौथी लाइन को देखिए, थर्ड में है द डस्ट ऑफ स्नो, फोर्थ में क्या है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी ऑन अ हेमलॉक ट्री, ये ज्यादा सही ऑप्शन है। फिर क्या है, नाइन्थ में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40, तो 36 नंबर से 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से ऑप्शन कौन सा है? 36 में क्या है, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेज पम्फ्रीज ओवर डूइंग, मिसेज पम्फ्री ने जो बहुत सारा खाना भेजा था अपने डॉग के लिए, तो वहां के जो स्टाफ थे सर्जरी हॉस्पिटल के, उनको क्या क्या फायदा हुआ? तो पहला फायदा क्या है, ए ब्रेकफास्ट विद एग्स, अब अंडों के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी हो रहा था। बी लंच विद वाइन, वाइन के साथ, शराब के साथ लंच भी हो रहा था। सी डिनर विद ब्रैंडी, ब्रैंडी भी एक तरह का शराब हुआ था, उसके साथ में डिनर भी हो रहा था। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, तो जो डी है ऑल ऑफ द अबव, ये सही है, क्योंकि यहां पर इस पंपरी के उन सामानों के भेजने से वहां जो स्टाफ थे इन सभी के मजे ले रहे थे। 37, मिस्टर हैरियो सजेस्टेड मिसेस पम्फ्रे टू गेट ट्रिकी हॉस्पिटलाइज्ड टू कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर ब्लैंक डेज, मिस्टर हैरियो जो डॉक्टर है, वेट डॉक्टर है, उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को क्या सलाह दिया था कि ट्रिकी को कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए? तो यहां पर क्या है, देखिए बी 15 डेज, 15 दिन के लिए, क्वेश्चन देखिए स्टोरी में लिखा हुआ फोर्टनाइट, यानी कि 15 डेज सही होता है। तो ये वर्ड जो ऑप्शन है बी 15 ज्यादा करेक्ट वर्ड है। 38, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थिफ्स स्टोरी, तो थिफ्स स्टोरी है इसका राइटर कौन है? क्लियर बिल्कुल है, बी रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं, तो बी रस्किन बॉन्ड इज करेक्ट ऑप्शन।
हाउ ओल्ड वॉज अनिल? अनिल कितने साल का है? तो यहां पे देखिए सी ऑप्शन सही है, 25 ईयर्स ओल्ड, वो 25 साल का है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लिव्ड? उस शॉप का नाम बताइए जिसके ऊपर अनिल रहता था। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डी जुम्मा। अब ये जो जुम्मा है ये मिसप्रिंट हो गया है, डबल एम नहीं एम एन होना चाहिए था, तो जुमना स्वीट शॉप ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी शॉप के ऊपर में अनिल रहता था। तो ये आपका सेकेंड सेट है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ बहुत ही जल्दी। तब तक इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप इसके कमेंट भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए ताकि आपके और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्दी सेट 3 के साथ। बाय।